सबीरू, सो आज आप लोगों को इस तरह का कोई लोकेशन नहीं मिलेगा क्योंकि आज ऑफिस बंद है, संडे है। मैं अब जा रहा हूँ, मैं गाड़ी जहाँ पे रखता हूँ वहाँ पे, और प्रैक्टिकली क्या क्या एक्सपीरियंस किया है मैंने इस कुछ दिनों में गाड़ी के साथ, क्या क्या इश्यूज है, एक्चुअल जो प्रॉब्लम्स है गाड़ी, वो सारे आज मैं एड्रेस करूंगा। वैसे एड्रेस नहीं करूँ, वैसे बातें नहीं करूँगा जो एक्चुअली लोग जो है बोलते हैं रिव्यूज़ में कि इसमें ये ख़राब है वो ख़राब है, ये सब नहीं। प्रैक्टिकली जो जो चीज़ें इश्यूज़ है गाड़ी के साथ वो बात करूँगा। और जिन लोगों को ये सोच रहे हैं कि पंकज हमेशा सनग्लास क्यों पहनता है, देखिए भाई मेरे आँखें इतने खूबसूरत हैं, ये ऊपर से नॉर्थ ईस्ट से हूँ, थोड़ा छोटा भी है तो इसलिए सनग्लास पहन लेता हूँ, थोड़ा अच्छा भी दिखता हूँ। तो चलिए देखते हैं, तीन चीज़ें जो है जो सबसे ज़्यादा लोग क्वेश्चन करते हैं उनको मैं एड्रेस करूंगा। वो तीनों मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होंगे दोस्तों, क्या गाड़ी अंडर पावर्ड है, क्या गाड़ी की इंजन नॉइज़ और वाइब्रेशन जो है बहुत ज़्यादा है, और तीसरी क्या गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी जो है वो बहुत ख़राब है। तो चलिए हम आ गए गाड़ी के पास, चलिए। उत्तरी ये क्या है बे, ये इतना क्यों ऐसा गंदा बच्चा, अभी तो लोग वीडियो ही नहीं देखेंगे, बोलेंगे इतना गंदा बच्चा है, नहाता नहीं, इसका वीडियो नहीं देखेंगे। तो चलिए पहले गाड़ी को साफ कर लेते हैं फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखिए अभी जो है दुल्हन थोड़ी खूबसूरत दिख रही है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज ये तीन जो पॉइंट मैंने बोले, इसके बाद भी एक पॉइंट मैं वो बोलूंगा, वो जेन्युइन रीजन जिसके लिए शायद आप निसान मैग्नाइट को जो है वो मना कर सकते हो, शायद आप इस गाड़ी को नहीं खरीद सकते हो, और ये जेन्युइन रीजन जो है लास्ट में बोलूंगा, तो वीडियो के साथ बने रहिए। ये घुस गए हम गाड़ी के अंदर और चलिए अभी बात जो है वो स्टार्ट कर। सो पहला पॉइंट कि क्या ये गाड़ी जो है अंडर पावर्ड है, अभी इसके ऊपर मैंने दो वीडियो बनाए हैं। आज मैं आपको बोलता हूँ एक्चुअली में क्या हुआ था, शायद जिसने पहली बार इस गाड़ी को अंडर पावर्ड बोला वो शायद इससे पहले नेक्सोन या एक्सयूवी 300 ऐसा कुछ चला के आके सीधा इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करने लग गया, और उसको जो है लग गया कि ये गाड़ी जो है अंडर पावर्ड है। अभी मैं आप लोगों को बहुत बार बोल चुका हूँ जो भी ये क्वेश्चन पूछता है कि आपको एक चीज़ याद रखना है कि ये गाड़ी जो है नॉन टर्बो वेरियंट में 1 लीटर इंजन के साथ आता है, 1 लीटर इंजन के साथ आता है, 1 लीटर इंजन के साथ है। ये पहला इस सेगमेंट में कम्पेट एसयूवी है जो नॉन टर्बो 1 लीटर इंजन के साथ आता है, तो इसकी जो कैपेसिटी है वो ऑब्वियसली कम होगी नॉन टर्बो 1.2 लीटर जो वैनू सोनेट इन जैसे गाड़ियों के साथ अगर कंपेयर करोगे तो इसकी जो है कैपेसिटी कम होगी। ये आपको याद रखना, जब आप ये चीज़ याद रखोगे तो पहली बात आप इससे एक्सपेक्ट ही उतना ही करोगे जितना ये डिलीवर कर सकते। देखिए मैं पिछले कुछ दिनों से जैसे कि लॉकडाउन स्टार्ट होने के बाद से मैं डेली इस गाड़ी को 70 से 80 किलोमीटर चलाता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ इसी गाड़ी से, आप लोगों को पता है मैं वीडियोस वैसे ही बनाता हूँ, मेरे साथ 4-5 बंदे हमेशा बैठे रहते, मैं एसी पे ही गाड़ी चलाता हूँ, मुझे कभी नहीं लगा कि ये गाड़ी अंडर पावर्ड है। मैग्नेट के नॉन टर्बो वेरिएंट को लेकर एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि हिली एरिया में इसका परफॉर्मेंस शायद खराब होगा। देखिए मैं खुद नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूँ और नॉर्थ ईस्ट में हिली एरिया की कोई कमी नहीं, आपको भी पता है। आप अगर कभी नॉर्थ ईस्ट के मेघालय पे आओगे और शिलोंग पे आप देखोगे तो ये वाला गाड़ी जो है ये ज्यादातर टैक्सी सर्विस के लिए यूज होता है। ये है मारुति 800 और ये 37 BHP के साथ आता है और सिर्फ 800 CC इस गाड़ी का। अगर ये सर्विस दे रहे हैं 5-5, 6-6 बंदे इस गाड़ी पे सफर कर रहे हैं हिली एरिया पे, तो आप खुद समझदार हो, खुद समझ लोगे कि क्या एक कम्पैक्ट एसयूवी अंडर पावर फील हो सकता है इस वाले लोकेशन पे। एक चीज होता है, क्या होता है, जब आप पहले गैस देते हो मतलब पहले स्टार्ट करने के बाद जब एसी के साथ आप स्टार्ट देते हो तो थोड़ा आधा सेकंड तक मान लीजिए आपको थोड़ा पिकअप आने में टाइम लगता है, आधा सेकंड बाद जब वो पिकअप ले लेती है तब आपको ऐसा कभी फील नहीं होगा कि ये गाड़ी जो है अंडर पावर आपको फील हो रहा है। आपको ये याद रखना है कि ये 1 लीटर इंजन है, जब तक आप ये याद रखोगे आपको कभी अंडर पावर नहीं लगेगा। ये मैं आपसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ये रीजन नहीं हो सकता गाड़ी ना खरीदने का। अगर आपको पावरफुल गाड़ी चाहिए पैसा ज्यादा खर्च करो ना यार, ज्यादा बड़ा गाड़ी खरीद लो और जितने पे पावरफुल गाड़ी है इसका प्राइस कितना है ये याद रखना है आपको। और ये इस सेगमेंट का पहला गाड़ी है जो 1 लीटर इंजन के साथ आता है नॉन टर्बो वेरिएंट में कॉम्पैक्ट एसयूवी के सारे फीचर्स के साथ। सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि क्या इंजन नॉइज ज्यादा है, हार्शनेस कितना है गाड़ी का और वाइब्रेशन कितना है। अभी देखिए सभी तो बोलते हैं 3 सिलेंडर गाड़ी है तो 4 सिलेंडर गाड़ी से कम रिफाइनमेंट है तो इंजन नॉइज तो थोड़ा हो गई, प्रैक्टिकली बात वो सही है, लेकिन कितना मतलब ये सारे चीजें कितना इफेक्ट करता है आपको थोड़ा आप ये समझिए। क्या एक्चुअली में आप गाड़ी खरीदते हो सिर्फ इसी चीजों के लिए, मतलब इंजन नॉइज ज्यादा है इसलिए चलो मैं ये गाड़ी नहीं खरीदूंगा, मतलब कितना ज्यादा है। प्रैक्टिकली मैं अभी गाड़ी को स्टार्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि गाड़ी का इंजन नॉइज कितना हुआ। तो चलिए अभी गाड़ी को करते हैं बंद और देखते हैं एक्चुअली में कितना है आपका इंजन नॉइज, मुझे आप लोगों को प्रैक्टिकली मैं आज आप यहाँ पे आप लोगों को दिखा लेता हूँ। तो चलिए हमने कर दिया यहाँ पे इंजन को स्टार्ट, गाड़ी के न्यूट्रल पे है, हाँ न्यूट्रल पे है और ये हो गया हमारा। अभी आप बताइए फ्रेंड्स क्या आप लोगों को कुछ साउंड आ रही है, मतलब मैं क्या ये बताऊँ क्या आप लोगों को कोई साउंड आ रही है बताइए आप। अभी जब गाड़ी को मैं चलाऊंगा, गाड़ी चलने लग जाएगी तो क्या बलेनो क्या आपका एल्ट्रोज और क्या आपकी निसान मैग्नेट सब एक ही जगह आकी रही। देखिए वाइब्रेशन की जो बात है, बैक गियर में वाइब्रेशन होती है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल इसमें डेमो भी दिखा दूंगा अगर एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि मोबाइल हाथ में लेके बैक गियर करना थोड़ा टफ होगा। लेकिन मान लीजिए बैक गियर, आप क्या पूरी जिंदगी बैक गियर में गाड़ी चलाओगे, मतलब
क्या लोग क्या बोलते, क्या गाड़ी ना खरीदने का ये कोई कारण हो सकता है? मैंने जैसे कि आप लोगों को बोला है कि मतलब ये सब चीजें जो गाड़ी ना खरीदने का रीजन नहीं है, एक बार आप 1.5 आरपीएम क्रॉस कर ले तो फिर क्या एल्ट्रोस, क्या बलेनो, क्या मतलब क्या एक जो साउंड जो होता है इंजन का क्या होता है, मतलब गाड़ी के अंदर अगर आपको थोड़ा थोड़ा साउंड आ रहा है इंजन का, मतलब ये तो एनोइंग साउंड नहीं है ना? ऐसा अगर हुआ फिर आप फिरारी ये सब गाड़ी कभी खरीद पाओगे? इसमें तो बहुत ज्यादा उसका तो फैशन ही होता है साउंड का, ये साउंड इतना एनोइंग नहीं है फ्रेंड्स। आप टियागो, आप अगर मान लीजिए टाटा की जो दूसरे गाड़ी, जो सारे के सारे टाटा के गाड़ी है तो थ्री सिलेंडर ही आते हैं, आप एल्ट्रोस बोले, नेक्सॉन बोले, जो भी ले, उन सब गाड़ी को आप कैसे चलाओगे? तो अगर आपको इसमें इतना ज़्यादा साउंड लगता है, ऑब्वियसली ये गाड़ी ना खरीदने का कारण नहीं हो सकता। और बैक गियर, आप पूरी जिंदगी बैक गियर में नहीं चलाओ भाई गाड़ी, गाड़ी बैक गियर में हम कितना टाइम तक चलाते हैं, 10 सेकंड, 15 सेकंड, उसमें अगर थोड़ा वाइब्रेशन हो जाता है फील कर लेंगे क्या है। अब बात करते हैं एक्चुअली गाड़ी के बिल्ड क्वालिटी का। अभी देखिए बिल्ड क्वालिटी में तो ये आप मना नहीं कर सकते, ये एक इशू है गाड़ी का, मतलब कॉस्ट कटिंग जो किया है ये सब पकड़ने से आपको समझ में आएगा, मतलब एक्चुअली में ये जो चीज़ें हैं ये आप पकड़ने से समझ जाओगे। दूसरी गाड़ियों का जो होता है, बलेनो मानिए, स्विफ्ट बोलिए, इन सब गाड़ियों में जो इसको इनको पकड़ने से थोड़ा एक प्रीमियम सा फील आता है, जो नहीं है मैं बहुत सारे वीडियोज़ में बोल चुका हूँ कि ये मतलब हिलता दुलता है इसको देख। अभी देखिए ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी आपको, गाड़ी अंदर से देखने में इतना प्रीमियम मुझे नहीं लगता। मैं पहला दिन से ये बात बोल रहा हूँ कि इस गाड़ी का इंटीरियर जो है मुझे इतना प्रीमियम नहीं लगता, लेकिन आपको प्राइस भी याद रखना है। 6,40,000 में एक्सएल वेरिएंट आता है जिसमें ऑलमोस्ट सारे फीचर्स दिए हुए हैं। ये वाला एक्सडी वेरिएंट है, इसमें ऑलमोस्ट एक प्रीमियम गाड़ी में जितना कुछ चाहिए ऑलमोस्ट क्या सभी कुछ है इसमें। मैंने आज तक इस गाड़ी में रेट्रोफिट कुछ नहीं करवाया, तो इन सब चीज़ों को एक्चुअली अगर आप क्या बोलूं मैं, अगर इतना कम प्राइस में मिल रहा है तो ये थोड़ी चीज़ें जो है वो आप निगोशिएट कर सकते हैं। फाइनली कुछ चीज़ें मैं आपको रैप अप कर देता हूं, जब आप ये गाड़ी खरीदोगे तो आपको ये चीज़ें मालूम होना चाहिए। इस गाड़ी का जो ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये इतना खूबसूरत नहीं है, एस्थेटिकली इतना खूबसूरत नहीं दिखता ये गाड़ी का, मतलब अगर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो फ्लोटिंग होता है वो थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, ऑब्वियसली मेरी पर्सनल ओपिनियन है। इसके जो एसी वेंट्स देख रहे हो आप ये लंबोर्गिनी स्टाइल पे दिया है ऑब्वियसली, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये गाड़ी जो है ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगता है, मोर देन यूजुअल लगता है, मान लीजिए आधा मिनट से एक मिनट जो है ये गाड़ी ज़्यादा लगते हैं। ऑब्वियसली केबिन बहुत बड़ा है, इसको ठंडा करने में टाइम लगता है, रियर एसी वेंट्स इस वाले वेरिएंट में नहीं है, और इनफैक्ट इसका सब जो टॉप वेरिएंट है उसी में मिलता है। आप मुझसे डिफरेंशिएट कर सकते हो लेकिन ये फैक्ट है, जो गाड़ी मतलब न्यूट्रली अगर आप बात करोगे तो ये टाइम लेता है, ये फैक्ट है। और फिर इस गाड़ी का जो ये गियर लीवर है, इस गाड़ी का जो क्लच है, अगर मैं दिखा पा रहा हूँ आप लोगों को, गाड़ी का जो क्लच है ये डीप है, गियर लीवर जो है, क्लच जो है वो बहुत डीप है, गियर लीवर जो है वो थोड़ा टाइट है, वो आपको हमेशा लगेगा क्लच करने के बाद कि हाँ पूरा क्लच हो गया, जब गियर शिफ्ट नहीं होगा तब आपको पता लगेगा अरे ये तो और आधा इंच जो है वो जा रहा है, ये आप फेस करोगे, ये प्रैक्टिकल है। और गाड़ी का स्टीयरिंग जो है वो थोड़ा टाइटर साइड में है। अभी लोग बोलते हैं कि मान लीजिए कि ये बोलते हैं गाड़ी का स्टीयरिंग का ये तो एक प्रॉब्लम है भाई, ये आपको पता है, लेकिन इतना इशू नहीं क्रिएट करा। देखिए आपको क्या करना, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद एक बार इसको ऐसे टर्न कर देना है, इस तरह से आपको टर्न करना है, और फिर एक बार आपको इस तरह से टर्न करना। अभी मेरे साथ ऐसा इशू नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ से जब निकलता हूँ तो यहाँ से मैं ऑलरेडी राइट टर्न लेता हूँ, सामने आप देख सकते हो, फिर जाके यहाँ से निकलते वक्त राइट टर्न और फिर लेफ्ट टर्न में ले लेता हूँ, तो मुझे ये समझ में भी नहीं आता। तो ये पहले एक दो दिन आपको इशू होगा, फिर आप जो है समझ जाओगे इस चीज़ को। अभी देखिए मैं वो बात एक्चुअली मैं आपको बोलता हूँ जो जेन्युइनली रीज़न हो सकता है ये गाड़ी ना खरीदने का, और वो है इस गाड़ी का डिलीवरी डेट। मतलब आज के डेट में 7-8 महीने तक डिलीवरी, लोग एक्सवी बुक करते हैं, एक्सवी प्रीमियम बुक करते हैं, निशान वाले फ़ोन करके बोलते हैं कि आप एक्सी ले लो, एक्सेल ले लो, ये क्या है भाई, ये रीज़न हो सकता है ये गाड़ी ना खरीदने का। बाकी गाड़ी में इतना इशूज़ नहीं है, गाड़ी में ऐसे इशूज़ नहीं है जो मतलब आप रिव्यूज़ में देखते हो, देख के शायद आप सोच रहे होगे कि सच में क्या गाड़ी में इतने इशूज़ है, गाड़ी में ही वो इशूज़ नहीं है, ये जेन्युइन इशू है कि निसान जो है गाड़ी डिलीवर नहीं कर पा रहा है 7-8 महीना तक किसी किसी स्टेट में। और आप लोग कमेंट करते हो कि भाई मैंने निसान जो है मैग्नाइट जो है उसको कैंसिल कर दिया और मैं किया खरीदूंगा, अभी एक भाई ने मुझे ऐसे कमेंट किया था, तो ये जेन्युइन इशू है। और ये मैंने आपको बोला था कि ए लास्टली मैं बोलूंगा जेन्युइन एक प्रॉब्लम जिसके लिए आप एक्चुअली मैंने निसान को मना कर सकते हो, मैग्नाइट को मना कर सकते हो, बाकी कोई कारण नहीं है। देखो दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छा लगता है ये सब वीडियो, देखिए आज थोड़ा डिफरेंट टाइप का वीडियो बनाया, अगर आपको इस तरह के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे देख सकते हो आप 88% लोग जो है देखते हैं वीडियो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको ये क्वालिटी वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक भी कीजिए वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो।